मंडलायुक्त पालिकर ने एनएक्सी भवन सभागार में गन्ना मूल्य के भुगतान एवं पेराई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चीनी मिले किसानों के गन्ने मूल्य का 100% भुगतान सुनिश्चित करे तथा किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी करे। मंडलायुक्त ने कहा कि गन्ना विभाग, कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कमेटी 15 दिनों के अंदर यह रिपोर्ट दे के किन कारणों से गन्ना उत्पादन के रकबे में कमी आई है और रकबा बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। मंडलायुक्त ने कहा कि गन्ना उत्पादन में चीनी मिलों का अहम रोल है। यदि चीनी मिले समय से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करे तो किसान प्रोत्साहित होंगे और अधिक से अधिक गन्ने की बुआई करेंगे। मंडलायुक्त ने कहा कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या कार्य हो सकते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट दें। उन्होंने चीनी मिलों से गन्ना पर्ची भुगतान आदि के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर सिंचाई, चीनी मिल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोई चीज आपको कही और वो हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि ऐसा हो और हम किसानों के पक्ष में जो हो वो हमें कराना, ये हमारा कर्तव्य है। ये शासन भी निर्देश आप यदि इस तरह से मिस मैनेज करेंगे तो फिर वही 2019 की अवस्था में पहुंच जाएंगे ना। मैंने वहां पर भी आपको आगे कहा था इनका मैनेजमेंट कौन है, किसानों को मोटिवेट कर चलने से किसानों में उत्साह जगा है, बोना शुरू किया। देनदारी सर जो 40 डेज पर सर 82 करोड़ रुपए सर 38% हमने कर लिया सर इस साल का जी 82 करोड़ सर में कितना पे कर दिया था। ये पे करने के बाद अभी इतना बचा है सर, कैसे क्या सर एक 40 डेज का जो है सर